लीजिए तो सवाल नंबर 9 में स्वागत है आप लोगों का। साइन माइनस में 11 पाई बटा 3 का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए भैया शुरू करते हैं वीडियो को। साइन माइनस 11 पाई बटे 3, तो आप जान रहे हो कि साइन माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि माइनस थीटा कहाँ बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ कॉस और सेक प्लस होता है, ये तो साइन है, ये तो माइनस होगा, तो माइनस में साइन थीटा। तो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को बाहर निकाल देंगे तो आपका बच जाएगा साइन 11 पाई बटे 3। चलिए माइनस में साइन 11 का 11 और पाई का मान 180 डिग्री या बटा में 3, इसको काट दीजिए 60 बार में। अब आपके पास हो गया कितना स्टूडेंट्स, माइनस में साइन 11 छक 66 डिग्री, ठीक है, 11 छक 66 मतलब 660 डिग्री, 11 छक 66 का मतलब 660 डिग्री, वो जीरो भी तो बैठेगा ना। चलिए अब 660 को कैसे सजाते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्या मैं 660 को लिख सकता हूँ 2 × 360, ये तो हो गया 720, हमें तो 660 चाहिए, हो गया 360 × 2 लिखने का मतलब हो गया 720। अब 720 से कितना कम है, सोच पा रहे हैं क्या, 720 से 660 कितना कम है। मैथ पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए, तनका आगे पीछे है ना, दाएं बाएं ये सब होना सीखिए, है ना। तो 360 × 2 होता है 720, आ यहाँ हमें चाहिए 660। तो अब क्या करना है, 720 और 660 में गैप कितना का हो जा रहा है, 40, अभी 60 का, तो इसमें से आप 60 डिग्री निकाल दो, माइनस कर दो, आपका 660 डिग्री बच जाएगा। अब आपके पास फिर से फॉर्मूला लग रहा है कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में कथी होता है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, जहाँ साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस में साइन थीटा। तो देखिए भैया एक माइनस पहले से आपका आ रहा है, ठीक है, और साइन 360 माइनस थीटा में भी एगो माइनस आ रहा है, तो ई पहले वाला माइनस आ ई नयका माइनस, तो साइन आ थीटा के जगह कितना, तो 60 डिग्री, आ दू गो माइनस इकट्ठा हो गया तो प्लस, आ साइन 60 डिग्री जिसका वैल्यू आप 10वें क्लास से जानते हैं कि √3/2 होता है। जी जी